मारपीट की खबर सामने आ रही है। कोर्ट परिसर में हत्या की गई है, आरोपी को गोली मारी गई है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का यह आरोपी था जो मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है और शख्स का नाम संजीव जीवा है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हड़कंप मचा। टाइम्स ऑन अभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर लखनऊ कोर्ट रूम की। कोर्ट परिसर में गोली चलने से हड़कंप मच गया और जैसे ही फायरिंग हुई हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। लखनऊ के कोर्ट परिसर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर फायरिंग, कोर्ट ने हत्या के आरोपी को गोली मारी है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था, मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है जिसे गोली मारी गई। और विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त फोन लाइन पर है। विनोद, अचानक से फायरिंग यहाँ पर कोर्ट हो जाती है, एक बताया गया बच्ची भी शायद जख्मी हुई है, क्या जानकारी? देखिए लखनऊ का कोर्ट है, सिविल कोर्ट, उस कोर्ट में अचानक से फायरिंग हुई और जो आई विटनेस थे, जो लोग वहाँ मौजूद थे, कह रहे थे कि जो हमलावर थे वो पुलिस माफी का वकील के ड्रेस में वहाँ पहुंचे थे। संजीव जीवा है ये, आपको पुलिसवी का आपको क्या बदमाश है जिसको पेशी पर आज ले गया था। अचानक से जैसे ही वो पेशी के लिए कोर्ट रूम की तरफ बढ़ा और उस पर फायरिंग की गई। जीवा, संजीव जीवा पुलिस अभिरक्षा में था, वो जमीन पर गिर गया। फिलहाल उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया, कहा जा रहा है कि उसकी अभी डेथ कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से फायरिंग हुई है, गोली, उसको दो गोलियां उसके सीने पर लगी हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स इसकी मौत को पुष्टि करेंगे, लेकिन संजीव जीवा के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ा कुख्यात अपराधी है, मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में जिसमें मुख्तार अंसारी को बरी किया गया था, उस मामले में भी ये आरोपी था। इसके अलावा ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्याकांड में बीजेपी के बड़े नेता थे, विधायक थे, उनकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, संजीव जीवा का नाम आया था। कहा जाता कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, एक डॉक्टर के यहाँ पहले कंपाउंडर था, वहाँ पे मालिक का इसने किडनैप किया था, उसके बाद ये माफिया बना और कई बड़े माफियाओं के उत्तर प्रदेश में रहा। सबसे ज्यादा जो क्लोजनेस इसकी थी वो मुख्तार अंसारी के साथ ही थी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का एक करीबी गुर्गा था जो आज पेशी पर आया था और इसी दौरान उस पर फायरिंग की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पहुंच गई है, क्योंकि क्योस बहुत हो गया था कोर्ट रूम में, लिहाजा का पुलिस की टीम जो है वहां मौके पहुंची है, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है। कहा जा रहा है कुछ देर बाद जो कंप्लीट रीजन होगा, आधिकारिक बयान है वो आएगा, लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज और आई विटनेस वहां पे जो लोग मौजूद है वो यही बता रहे हैं कि संजीव जीवा फिर कोर्ट पे पेशी के लाया गया था, उस दौरान उसमें फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाला शख्स जो था वकील की ड्रेस में था। इसके अलावा एक बच्ची भी घायल वहां पे हुई है फायरिंग में, चूंकि बहुत सारे लोग उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, लिहाजा एक बच्ची भी घायल इस पूरे मामले में हुई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में होगी जब पुलिस अधिकारी इस बारे में पुष्टि करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये कोर्ट फायरिंग हुई, इसमें एक अपराधी जो संजीव जीवा था वो मारा गया है। बिल्कुल विनोद, ये तस्वीर भी सामने आई है, कोर्ट परिसर में हड़कंप है। विनोद, जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए आज कोर्ट परिसर में क्या हुआ और संजीव जीवा आखिर ये कौन था और जिसने हत्या को अंजाम दिया है उसकी पहचान हो पाई है? संजीव जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी है, ये मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के लिए इससे कई सारे शूटआउट किए थे, कई सारे बड़े शूटआउट में मुख्तार के साथ खुद संजीव जीवा रहता था और ये लगातार एक बड़ा शार्प शूटर आप इसे कह सकते हैं, जिसकी निशाना था वो कभी चूकता नहीं था। इसके बारे में कहा जाता था कि इसका निशाना कभी चूकता नहीं है, इसीलिए कृष्णानंद हत्याकांड जो हुआ था उसमें मुख्तार ने इसको जिम्मेदारी दी थी और इस जो AK-47 समय से फायरिंग की गई थी वो संजीव जीवा ने किया था। इसके बाद इसने बीजेपी के बड़े नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनकी हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैलाई थी, उस हत्याकांड का यही संजीव जीवा ही आरोपी था। आज संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के लिए किसी मुकदमे में लाया गया था। कहा जा रहा है कि जब वो पेशी के लिए पुलिस कोर्ट में ले गई, गलियारे के कोर्ट रूम से ठीक बाहर जो गलियारा होता है वहीं पे अचानक जो है वकील की भेष में आए एक शूटर ने जो है वो इस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते वहां भगदड़ मच गई। संजीव जीवा जो था वो फर्स्ट पर गिरा हुआ था, तुरंत पुलिस की टीम वहां मौजूद थी, इंटीमेट किया गया, पुलिस आई, उसे अस्पताल ले जाने की कार्रवाई हो रही है। कहा जा रहा है कि उसकी मौत मौके पे हो गई थी, हालांकि अभी इसके लिए आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है। ठीक है विनोद, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे फिलहाल।